हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को दिखाने वाला हूं गेना फ्री फायर का एक मैच जो कि मैं खेल रहा हूं सोलो वर्जन सोलो। और दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को अपने वीडियो आई मीन टू से के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहते हो तो बेशक अपलोड कर सकते हो। ये वीडियो भी क्रिएटिव कॉमन है, आप मेरे कोई भी खेले हुए गेम प्ले की कोई भी वीडियो को अपने यूट्यूब कंटेंट में यूज़ कर सकते हो। एज इट इज़ पूरा का पूरा उठा के भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हो। मैं किसी भी भाई को कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा, ना ही मुझे कोई क्रेडिट की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं थोड़ा सा गेम प्ले, और आई होप अगर आप इस गेम को खेल रहे होगे तो आप इस वीडियो को जरूर एंजॉय करोगे। तो दोस्तों, मैं यहां पे उतर चुका हूं और मेरे पास आ चुकी एक अच्छी सी गन, और गन का नाम तो क्या है मुझे नहीं पता। और सामने की ओर फायरिंग हो रही है और एक बंदा दौड़ता हुआ जा रहा है, पहले किल कर देता हूं। और ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसको यहां पे किल कर दिया। और इसी के साथ बहुत सारे बंदे उतरे, एक और बंदा उतरा है, मैंने उसको भी वहां पे किल कर दिया। मेरे पास हो चुके हैं यहां पे दो किल, और मैं यहाँ से थोड़ी सी लूट कलेक्ट कर लेता हूँ इन लोगों के पास से क्या था क्या नहीं था। और आगे का आप लोगों को मैच दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पे पीछे से कोई फायरिंग कर रहा है और आगे से भी एक बंदा दौड़ता हुआ जा रहा है, तो पहले मैं आगे वाले बंदे को यहाँ पे किल करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद इस पीछे वाले बंदे से लिपटता हूँ। या फिर चलिए मैं पहले इस पीछे वाले बंदे से लिपट लेता हूँ, अगर मेरे को दिख गया तो मैं इसको भी ठोक दूंगा। लेकिन ये काफ़ी दूर है और कहीं से छिप कर मेरे पे फायरिंग कर रहा है, इसीलिए ये देख सकते हो मेरे पास इसने मेरे पे फिर से बुलेट फायर किया और मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है। ये देखिए, पहले मैंने सामने वाले बंदे को किल कर दिया, उसके पास क्या लूट है वो पहले मैं देख लेता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 3 किल। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस पीछे वाले बंदे की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी थोड़ी सी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर उसके पास अच्छी गन हुई और एक प्रो प्लेयर हुआ तो मेरे को इजीली किल कर देगा। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने अपने यहाँ पे एक बैंडेड लगा ली, और बैंडेड लगाने के बाद मैं कंटिन्यू दौड़ रहा हूँ, और मुझे वो बंदा स्पॉट नहीं हो पा रहा है वो कहाँ पे, और अभी भी नहीं हुआ, और तो यहीं कहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, या फिर वो कहीं घास में लेटा हुआ है। तो देख, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो दो फायरिंग हो रही है आमने सामने, और मैं यहाँ पर कंटिन्यू जंप जंप करके रन कर रहा हूँ ताकि मेरे पे कोई मतलब ज़्यादा ज़्यादा मेरे को डैमेज ना देख सके। और मैंने उस बंदे को स्पॉट कर लिया, वो बंदा सामने की ओर से दौड़ता हुआ जा रहा है, और चलिए मैं भी उसके पीछे दौड़ता हूँ। और मेरे पास दूसरी गन है, वो है वी एस। यार काफ़ी बेकार गन लगी मेरे को इसमें, क्योंकि ये बंदे को मतलब हेड शॉट मारना हो तो ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। विदाउट अगर आप बॉडी पर 2 या 3 बुलेट ही फायर कर पाओगे, चौथी बुलेट में तो वो सामने वाला प्लेयर आपको किल कर देगा। तो अब ये दोनों बंदों को मैं आपस में यहाँ पर थोड़ा सा लड़ने देता हूँ, और इन दोनों की जब आधी आधी हेल्थ हो जाएगी तब मैं इन पर ईजिली मैं इनका किल कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो सामने वाला बंदा काफ़ी तेज है, जो कि मेरे पे पीछे से फायरिंग कर रहा था, इसने शायद उस बंदे को किल कर दिया। यहाँ पे अभी भी 2 बंदे आमने सामने फाइट कर रहे हैं, और इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 3 किल और 33 अलाइव हैं, और उसने एक बंदे को और किल कर दिया। तो ओब्वियसली ये बंदा काफ़ी प्रो टाइप है, और इसको किल करना तो मैंने इस पर देख लिया, और ये लीजिए मैंने इसके साथ इस बंदे को भी किल कर दिया। और दोस्तों, अभी भी एक बंदा मेरे पे फायर कर रहा है, और वो बंदा कहाँ है चलिए मैं उसको पहले स्पॉट कर लेता हूँ। मैंने उसको भी ढेर कर दिया यहाँ पर। दोस्तों, इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 5 किल। दोस्तों, इस गेम में अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में ही किल मिल जाते हैं तो आप लोगों की रैंक होता है वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेन जो गेम होता है, गेम प्ले होता है, सबसे मायने रखता है। अगर आप सबसे पहले उतर के सबसे पहले अच्छे वेपन्स कलेक्ट करके और जो भी प्लेयर उतर रहे हैं उनको किल कर देते हो तो वाकई आपकी रैंकिंग काफ़ी खुश होती है। क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में 5 या 4 किल कर लेते हो तो यार बाकी के मैच में 2 या 3 किल करना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, और 7 किल करोगे तो यार हर बार 7-8 किल होंगे तो आप लोगों की रैंकिंग जरूर इंक्रीज होगी। और दोस्तों, इसी के साथ कहना चाहूंगा अगर आप लोग मेरे साथ मतलब कोई भी यार मैच खेलना चाहते हो तो बेशक मेरे को रिक्वेस्ट डाल सकते हो, और मुझे ऐसा नहीं है कि यार मुझे सारे प्रो प्लेयर चाहिए, ठीक है, कोई भी बंदा मेरे से रिक्वेस्ट डाल सकता है। मैं हर एक दोस्त के साथ खेलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन खेलने वाले कोई भी प्लेयर है ही नहीं, ना ही मेरे पास कोई डिस्कॉर्ड है, ना ही मेरे पास कोई यार ग्रुप वगैरह है जिसमें मैं गेम खेल सकूँ उन दोस्तों के साथ। तो अगर आप लोग खेलना चाहते हो तो बेशक मेरे को यार रिक्वेस्ट डाल सकते हो। मेरी यहाँ पर अब रैंकिंग मतलब हो चुकी है गोल्ड में, मैं रैंक अप हूँ, और मैं ज़्यादातर मैच है ना सोलो वर्जन सोलो खेलता हूँ, या सोलो वर्जन स्कॉर्ड भी खेल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास रियली यार मैं भी स्कॉर्ड मैच खेलना चाहता हूं आप लोगों के साथ। अगर आप लोग मेरे साथ में जो भी स्क्वाड में ज्वाइन होते हो तो मिलजुल के खेलेंगे और काफ़ी एंजॉय लेंगे, और जो भी वीडियो होगा हम उसको अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड जरूर करेंगे। और इसी के साथ हो सके दोस्तों, मेरे पास 5 किल और मैं तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते जा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे 1-2 किल और मिल जाए तो यार काफ़ी अच्छी बात होगी, और आप लोगों को अभी काफ़ी एंटरटेनमेंट हो पाएगा।
तो अभी तो मेरे पास ओबियसली यहाँ पे कोई भी बंदा मेरे को दिख नहीं रहा है, ना ही मेरे को कोई स्पॉट हो रहा है, तो हो सकता है कि आगे कुछ बंदे हों, और इसीलिए मैं आगे दौड़ता जा रहा हूँ। मेरे को सामने कार दिख रही है, सबसे पहले चलिए मैं कार ले लेता हूँ और फटाफट सर्कल में पहुँचता हूँ, और बंदे मरने से पहले मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी मशरूम खा लेता हूँ ताकि मेरी हेल्थ और जो भी बॉडी किट वगैरह है वो थोड़ी देर तक दुश्मन की गोली खा सके। तो जल्दी करता हूँ, खा लेता हूँ यहाँ पे कार और मैं चलता हूँ सर्कल की तरफ। और ये लीजिए मैंने यहाँ से कार ठोक दी, चलिए देखते हैं आगे और हमारे पास कितने बंदे मिलते हैं और हम उनका किस तरह से किल कर पाते हैं, क्या वो मेरा किल कर पाते हैं, मैं उनका किल कर पाता हूँ वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं इस कार को साले को सीधी ऊपर ही चढ़ा देता हूँ, अगर कोई प्लेयर मिला तो ऐसे कुछ चल दूंगा, तो मेरे को यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और ये लीजिए मैं यहाँ पर और कार चढ़ा देते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं मेरे को दिखाई दिया, लोगों का सामान जगह जगह पर पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं इस कार को यहाँ पर छोड़ देता हूँ और पैदल ही चलते हैं, और शायद मुझे कुछ बंदे मिल जाएँ। तो ऑब्वियसली बंद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आया है अब तक, और पता नहीं बंदे कहाँ पे छुपे हैं, क्योंकि मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ बैटल ग्राउंड में। तो अगर मिल जाते हैं तो मैं बिल्कुल फ़ाइट लेना चाहूँगा बंदों से। और आप जितनी इस गेम के अंदर छुप के खेलोगे उतनी, मतलब यार यूँ कह सकते हैं कि आप नूब प्लेयर ही रहोगे, और आप लोगों जितनी इस गेम में फ़ाइट करोगे उतना ही आपका जो एक्सपीरियंस है गेम लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ पे तो यार दोस्तों ऑब्वियसली कोई भी नहीं है, और सामने की ओर गिरा है ड्रॉप। तो चलिए देखते हैं, हम ड्रॉप के पास ड्रॉप लेने जरूर बंदे आ सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉप के पास जा रहा हूँ। और अभी हो सकता है कि रिसेंटली अभी फाइट स्टार्ट हो जाए यहाँ पे, और काफ़ी सारे मेरे को बंदे भी मिल जाए, क्योंकि तो मैं तो बंदों को ढूंढ ही रहा हूँ, मिलते ही मैं यहाँ पे फाइट जरूर करना चाहूँगा उन लोगों से। तो यार यहाँ पे तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा है, और जैसे दिखते हैं मैं फाइट लेने की जरूर कोशिश करो। दोस्तों सामने की ओर एक कार दिखाई दे रही है, और इसमें कार वाले बंदे को सबसे पहले मैं मार देता हूँ, मतलब आई मीन टू से किल करूंगा। तो अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसकी नसीब अच्छी है, बच के भाग गया मेरे से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अगर मेरे को ये बंदा स्पॉट हो जाए तो, ये तो गया, हाँ हाँ भाई ये बिल्कुल गया, तो नहीं हुआ स्पॉट दोस्तों, कार लेके काफी दूर निकल गया और यहाँ पे रुका ही नहीं, अगर रुकता आसपास तो कहीं इसके मतलब, ये तो मतलब यहाँ पे बहुत गलत आ गया और बच गया, मतलब चला गया, इसलिए थोड़ी देर ये मैच में थोड़ी देर टिका रहेगा। तो उसके नसीब अच्छे थे, मेरे बैड लक थे, मैं उसका किल नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, उसका किल नहीं ले पाया तो और कोई मिलेगा, तो मैं उसको ठोकूंगा यहाँ पे। तो देखते हैं वही कहाँ पे है बंदे। दोस्त इसी के साथ हो चुके हैं, मेरे पास यहाँ पे 5 किल और 11 अलाइव हैं, और मैं इसके ऊपर चढ़ के स्पॉट करता हूँ, थोड़ा सा वीएस का उपयोग करेंगे, देखते हैं वीएस से कोई अगर फाइंड हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये मैंने चेंज कर ली गन, और देखते हैं वो कार वाले बंदे को मैं सबसे पहले स्पॉट करना चाहूँगा, कहाँ गया वो। तो मेरे ख्याल से वो दोस्तों सर्कल के अंदर तो मैं हूँ, और ऑलरेडी वो मतलब सर्कल के कॉर्नर कॉर्नर पर शायद वो घूम रहा होगा। तो मैं यहाँ पे वीएस से देखता हूँ, अगर मेरे को कोई दिख जाता है तो मैं ओबियसली उससे फाइट लूंगा। तो शायद इस साइड और ड्रॉप की साइड कोई बंदा मेरे को दिखे, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और मैं ज़्यादातर स्कोप का यूज़ नहीं करता दोस्तों, मैं एकदम नज़दीक से फाइट लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है यार जब एक दूसरे के सामने सामने गोलियाँ चलाते हैं तब, और जो पास से तो यार मुश्किल है मेरे को किल करना। तो चलिए दोस्तों हम भी चलते हैं अब सर्कल की तरफ, और शायद वहाँ पे कुछ और बंदे हो जाए। और आप लोग देख सकते हो यार 5 किल, यार काफ़ी निराश हूँ यार, बंदे मेरे को मिल नहीं रहे यार, मैं फाइट लेना चाह रहा हूँ, और जब बंदे नहीं मिलते तो यार गेम काफ़ी बोरिंग टाइप लगता है, मतलब दौड़ते रहो और कोई बंदा ना दिखे तो यार काफ़ी बुरा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे सामने कुछ घर वगैरह हैं, और यहाँ पे शायद कोई मेरे को बंदा मिल जाए और मैं उससे फाइट ले सकूँ और उसको किल कर सकूँ, और आप लोगों को यार और भी ज़्यादा मैं किल करके दिखाऊँ। तो दोस्तों इस गेम में मेरे को सबसे बुरी बात यही लगती है कि यार जब देख सकते हो दोस्तों किसी बंदे ने मेरे पे यहाँ पे बुलेट फायर की, और ये देखिए मैं वीएससी इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, स्कोप मैंने ऑन कर लिया और यहाँ पे शायद किल हो जाए, हाँ हो गया हो गया हो गया। तो दोस्तों इस बंदे को भी ये देखिए काफ़ी दूर था और काफ़ी दूर से मेरे फायरिंग कर रहा था, और मैंने इस बंदे को किल कर दिया, और इसके साथ हो गया मेरे पास 6 किल। और ये अभी कार वाला बंदा था कि नहीं था पता नहीं, और मेरे को कार वाले बंदे का एक बहम हो गया है, मैंने उसको देखा भी नहीं किस डायरेक्शन में गया, अभी डायरेक्शन तो मेरे को दिखाई दी लेकिन एक्चुअली वो कहाँ उतरा उसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तो देख सकते हो दोस्तों वीएस का कितना खराब वो है, तो आप जब भी वीएस यूज़ करें तो इसको मतलब आप छुप जाओ और उसके बाद ही किसी बंदे को हेडशॉट मार सकते हो, बाकी आमने सामने अगर शॉर्ट टर्न में फाइट हो रही है तो आप लोगों को वीएस का कभी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वीएस का सबसे कम डैमेज है और कब से कम इसकी
बुलेट फायरिंग स्पीड है, क्योंकि अगर आप किसी बंदे को 3 बॉडी शॉट मारते तो उसकी आधी हेल्थ चली जाएगी, लेकिन अगर वो बंदा प्रो हुआ और उसने आपको 1 या 2 गोली का हेड शॉट दे दिया तो आप वहीं किल हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों VS एकदम बेकार गन है। और इसके साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे ड्रॉप में से गन ले ली है, ये पता नहीं स्नाइपिंग गन है, वो कौन सी गन होगी, AWM हो सकती है शायद। यहाँ पबजी के अंदर ऐसी हमें AWM मिलती है और AWM जैसी दिख रही है। तो चलिए अब मैं इस AWM को चला के देखता हूँ, क्योंकि मैं कभी यूज़ तो मैंने नहीं किया, वैसे पबजी में काफ़ी बार यूज़ किया है, लेकिन गेना फ्री फायर में मैंने फर्स्ट टाइम इसको मैंने यहाँ पे उठाया है, तो देखते हैं। और दोस्तों इसके साथ मैंने यहाँ पे बंदा स्पॉट कर लिया, और ये देखिए यह बंदा मेरे ऊपर फायर कर रहा है, तेज़ी से मेरी हेल्थ जा रही है। और ये लीजिए मैं इसको एक और शॉट मार देता हूँ, तो मैंने 2 शॉट तो मार दिए, उस बंदे को किल कर दिया, और मेरे को शायद किसी ने पीछे से किल कर दिया। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप भी काफ़ी एंटरटेन हुए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।